गुड मॉर्निंग कलीसिया, आज के डिवोशन का विषय है उसने स्वर्ग की ओर देखा। हम बाइबल में देखते हैं कि जो लोग विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ चले उनमें एक आदत थी या उनकी एक आदत थी कि वो उनकी आंखें हमेशा स्वर्ग की ओर लगी रहती थी। उनके जीवन में कोई भी समस्या आए उस समस्या से उन्हें छुटकारा चाहिए था, कोई जरूरत होती थी, किसी भी प्रकार की मदद चाहिए थी, तो हमेशा वो स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाते और परमेश्वर से मांगते थे। स्वर्ग की ओर देखना, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करना, इस बात को स्मरण रखना कि हर एक परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर है। मत्ती के 14वें अध्याय में और वचन 19 में यहां पर एक परिस्थिति उत्पन्न होती है यीशु मसीह के सामने भोजन को लेकर, और वचन इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटी को और मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और सबको खिलाया। और आगे जाके हम देखते हैं कि क्या हुआ कि सब लोग पेट भर खाए भी और 12 टोकरियां बची जिससे चेलों का भी पेट भरा। तो एक विश्वासी को हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में, वो किसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर उससे उनके साथ में है और परमेश्वर हर एक परिस्थिति से बड़ा है। जब एक विश्वासी इस बात को समझते हैं तब वो विश्वासी परमेश्वर के साथ आनंद के साथ चल सकते हैं। और हम आगे जाके देखते हैं कि एक विश्वासी किस प्रकार से स्वर्ग की ओर देख सकता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि परमेश्वर के वचनों में बने रहना, उसके साथ संगति करना, उसके वचनों पर मनन करना, ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण दिलाती है और उसका धन्यवाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और इब्रानियों का 12वां अध्याय और वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जब एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के कामों को स्मरण करता है, उसका धन्यवाद देता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को संभालते भी है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। एक भाव आज विश्वासी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।